डलहौजी की साइड निकल रहे हैं पूरी टीम, और यहाँ से लगभग 20-22 किलोमीटर डलहौजी है। डलहौजी में जाके देखते हैं क्या हिसाब किताब बैठता है। यहाँ तो हम वन नाइट स्टे किया है खजियार में, काफ़ी सुंदर नज़ारा था। अभी भी आप देख सकते हैं ये पार्क बना हुआ है पहाड़ों के बीच में, एकदम बुग्याल टाइप का, काफ़ी सुंदर। तो बाकी गाइज हम चल रहे हैं डलहौजी के लिए। पहाड़ों में जंगलों के बीच में से होती हुई रोड निकलती है। गाइस खजियार से डलहौजी के बीच में हम चल रहे हैं, अभी 18 किलोमीटर बाकी है डलहौजी, और इसके बीच में जो जंगल है, जंगल के बीच में से रोड निकल रही है, देख सकते हो आप पहाड़ों में, और काफ़ी सुंदर नज़ारे आ रहे हैं बीच बीच में। और यहाँ जंगली जानवर भी पूरे पाए जाते हैं, भालू, तेंदुआ, टाइगर वगैरह है यहाँ, इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। वैसे आते नहीं दिन में, रात में ही निकलते हैं, सुबह जल्दी या शाम के टाइम, लेकिन ठीक है, भोले बाबा का नाम लेके चल रहे हैं सब लोग। लाइनअप देखिए हमारा, डलहौजी भी एक हिल स्टेशन है, काफ़ी फेमस, अंग्रेज़ों के टाइम से फेमस है ये डलहौजी, काफ़ी भयंकर चढ़ाई आ रही है देखो आप, वो भी मोड़ के ऊपर है, जहाँ अनसीन मोड़ है, जो सामने कुछ नहीं दिखता जैसा इस मोड़ पे है, तो यहाँ अपनी साइड से निकलना ज़रूरी है। ये देखो ये गाड़ी आ गई, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है पहाड़ों में। बादलों से ऊपर चल रहे हैं अभी हम, ऊपर भी है नीचे भी है, ये देखो सामने बादल चल रहे हैं, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। बस इसी फील के लिए तो आते हैं यहाँ पहाड़ों में, और सामने देवदार के पेड़ है ही, जिनमें देवताएं है रमते हैं, अगर आप देखते हो ना इनकी डिज़ाइन में, बहुत सुंदर लगते हैं ये पेड़। काफ़ी सुंदर नज़ारे आ रहे हैं, एकदम कलरफुल, ये देखिए आप दीवार वीवार सब पेंट हो रखी है, डिवाइडर वगैरह, हिल टॉप, और काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है हमें, जैसे जैसे डलहौजी के पास पहुंच रहे हैं ठंडा लग रहा है, ठंड बढ़ सी गई है एकदम से, और हम भी बादलों के अंदर जाएंगे शायद, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। काफ़ी डराई है कि बहुत देर से डराई में चल रहे हैं हम, डलहौजी में गाड़ी चलाना बड़ा ख़तरनाक है, गाड़ी रुकती नहीं है। डलहौजी ये देखिए जिप्सी खड़ी है, जिप्सियाँ, और ये तोप बहुत ही मस्त लग रही है यहाँ, और ये सामने देखिए आप फाइटर प्लेन है पूरे पार्क, और ये इधर भी ये नेवी की है जहाज, काफ़ी सुंदर जगह है। काफ़ी सुंदर जगह, तो गाइस आप देख सकते हैं डलहौजी की सुंदरता, तभी तो हिल स्टेशन में है ये, अभी भी धुंध चल रही है, अभी पीछे हमें गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, ये पहाड़ों के बीच में है मतलब बसा हुआ, और काफ़ी सुंदर जगह है ये। सामने देखिए भारत का झंडा लगा रहा है, जय हिंद जय भारत, बहुत बड़ा भारत का झंडा लगा हुआ है, तिरंगा सैल्यूट है हमारी तीनों सेनाओं को जो हमारी रक्षा करते हैं, ताकि हम आराम से इस देश में रह सकें, और बहुत ही सुंदर सुंदर प्रॉपर्टियाँ भी बनी हुई है यहाँ, देख सकते हैं आप। तो नीचे जाते हैं, ये देखिए यही तो नज़ारा है, ये देखिए आप बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं, बादल पूछो मत, बस इसी चीज़ के लिए तो आए हैं यहाँ, बस तो ऐसा लग रहा है कि नाइट स्टे यहीं करना पड़ेगा, बस गाड़ी चलाने का
ज़्यादा मन नहीं कर रहा, बहुत धीरे धीरे चला रहे सब लोग आराम से देखते हुए। ये आर्मी की स्कॉर्पियो आती हुई, और जो सजा रखा है वो देखो गमले सजा रखे हैं एकदम बढ़िया लकड़ी के फ्रेम बना के। ये लकड़ी की फ्रेम है पूरे। ये देखिए बादल जा रहे सामने, और ये घाटी देख सकते हैं आप। घाटी में भी अभी दिखाते हैं आपको, ये घाटी में देखिए कितनी धुंध छाई हुई है। और यहाँ महात्मा गांधी का स्टेचू बना हुआ है बस स्टैंड के पास। आ रहे हैं, यहाँ एक छोटा सा वाटरफॉल है उसको देखने, देखते हैं कैसा है ये नज़ारे देखने मांगता है भाई लोग। ये है डल हौजी, ये देखिए आप सामने नहीं इधर देखिए, बीच बीच में पेड़ आ रहे हैं, बिल्कुल बादल ऐसे चल रहे हैं पूछो मत। ये देखिए, ये देखिए मेरे को मुड़ना पड़ेगा। तो गाइस डलहौजी में हम झरना देखने जा रहे हैं, वाटरफॉल पंचकुला वाटरफॉल, और हमारी टीम बिल्कुल रोबोट की तरह चल रही है। और ये वाटरफॉल है लिखा हुआ है ओनली 5 मिनट वॉक, आई लव पंचकुला, एक पंचकुला सकते हैं। और संजय तेरा फेवरेट लटका हुआ वहाँ देख बंदर तेरा वाला वो ए? अरे वो वहाँ देख वहाँ, अच्छा वो हाँ। तो कह दिया कैफे पे बने पंचकुला डलहौजी में, पंचकुला वाटरफॉल देखने जा रहे हैं अभी हम। काफ़ी सुंदर सुंदर दुकानें हैं यहाँ और कॉस्मेटिक सामान है बहुत बढ़िया। और गाइस डलहौजी वाटरफॉल, डलहौजी के पंचकुला वाटरफॉल हम पहुंच चुके हैं। ये देखिए हमारा भाई वाटरफॉल, पाँच दस मिनट की चढ़ाई है यहाँ। एक तो पहाड़ों में चढ़ना बड़ा महंगा पड़ता है, और पानी की भी आवाज़ आ रही होगी भयंकर वाली। काफ़ी सुंदर झरना है ये, ये देखिए आप। सर की भाग जा, भाग जाओ। तो कह हम पंचकुला वाटरफॉल अभी देख के आए, हमने पंचकुला पंचकुला बोल रहा था, ध्यान नहीं दिया हमने। और इधर बच्चों के वो बने हुए हैं, फिर अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है क्या द्वार? तो गाइस जी ये देखिए द्वार बना हुआ है, ये पंचकुला में वही डलहौजी में, और सरदार अजीत सिंह जी है इनका स्मारक बना। तो ये अजीत सिंह जी है, अजीत सिंह स्मारक स्थल 1847 में इनका देहांत हो गया था, दिनांक 11 जुलाई 2010 संवत विक्रमी 17 आषाढ़ 2067 के शुभ दिन पर परम देशभक्त की इस मूर्ति का अनावरण मेजर जनरल TPS बड़ेच VSM 26वीं इन्फेंट्री ड्यू के कर हमलों द्वारा किया गया।